Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज का जो संडे स्पेशल का एपिसोड है उसमें आज कुछ अलग करते हैं। हालांकि संडे स्पेशल एपिसोड में हम हमेशा कमेंट्स लेते हैं, कमेंट्स को रीड आउट करते हैं और यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं आज आप लोगों को कुछ अलग कहानी बताने वाला हूँ, जो कि एक ट्रू स्टोरी है जो काफ़ी इंटरनेट पे फेमस भी है। और वो पर्टिकुलर स्टोरी का मेरे लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब जिस दिन मैंने वो कहानी पढ़ी थी, कहानी सुनी थी, उस दिन से लेके आज तक जितने भी मैंने सक्सेस ली है, उस सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं तो वो कहानी का थोड़ा बहुत तो हाथ है। तो मैं ऐसे में ये कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी ये कहानी बयां कर चुके हैं और इस पे संदीप महेश्वरी सर के काफ़ी अच्छी वीडियोस भी आई हुई है जिसमें उन्होंने कहानी अच्छी तरीके से बताई है। और मैंने ये कहानी इंटरनेट से पढ़ी थी, फिर उनका वीडियो भी देखा, और हालांकि वीडियो बाद में देखा, लेकिन वो कहानी के बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी कुछ चेंज हो गई। अपने जो सपने रहते हैं, हम लोग उसको सपने के पीछे दौड़ते हैं, फिर कोई कोई लोग उसको पाने की बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग फेल हो जाते हैं। माना क्योंकि किसी का सपना रहेगा अच्छा जॉब पाना, या फिर किसी का सपना रहेगा अच्छे मार्क्स लेके आना, या फिर और कुछ भी सपना हो सकता है, करियर में अच्छा करना, कुछ बिजनेस में अच्छा करना, और फिर कुछ टाइम के बाद अगर सक्सेस नहीं मिलती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमको ऐसा लगता है कि यार किधर ना किधर तो मिस्टेक हो रहा है, हमसे कुछ अच्छी तरीके से चीज़ नहीं हो पा रही है। और फिर हम लोग धीरे धीरे वो सपनों के से दूर चले जाते हैं, वो ड्रीम्स से दूर चले जाते हैं। फिर हम एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये अपने बस की बात नहीं, ये अपनी तकदीर ही ख़राब है, या फिर हम लोग ऐसे कभी कभार सोचते हैं। काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे आजू बाजू में कि ये ऐसे सोचते हैं कि यार उसकी तो किस्मत ही अच्छी थी इसलिए उसका चल गया, यार मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो किस्मत में से की बात तो भगवान पे छोड़ दो, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो अपने हाथ में है उसके बारे में आज मैं आपको बोलने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, जो अपने हाथ में है उसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, और जो अपने हाथ में है वो है हार्डवर्क। और मेरे पास ये कुछ आपके लिए दिखाने के लिए है जो मैं हमेशा देखता हूँ, और ये चीज़ है, हार्डवर्क ब्रीड्स टैलेंट्स। इसका मतलब आप समझ सकते हो, और जिनको भी समझ में आ गया उन लोगों को अभी तक पता चल गया रहेगा कि ये पर्टिकुलर सेशन में किस बारे में लेने वाला हूँ। और इसका एक ही चीज़ है, अगर आप में हार्डवर्क करने की ताकत है, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, तो आप सामने वाले के टैलेंट को भी बीट कर सकते हो और सामने वाले के टैलेंट को भी हरा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इनबॉर्न टैलेंट लेके आते हैं, हर कोई अपना टैलेंट डेवलप करने के लिए हार्डवर्क लेता है। फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे फिर वो कोई भी एक्टर हो, या फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, मतलब कोई भी किसी भी क्षेत्र पे किसी भी करियर में आप जाओ, हर एक जन अपना टैलेंट डेवलप करने के लिए हार्डवर्क लेता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं बचपन से मतलब माँ की गोद से ही वो टैलेंट लेके आया और फिर मेरे में वो पहले से ही टैलेंट था, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वो इंटरेस्ट की तरफ अगर उनका टैलेंट के लिए वो मेहनत करते हैं, फिर कोई कोई लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है पहले से ही, तो वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से कर पाते हैं। कोई कोई लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, लेकिन वो खुद के हार्डवर्क के ऊपर वो टैलेंट हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं रहता है, मानो टैलेंट भी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास हार्डवर्क करने की ताकत है, हार्डवर्क करने का अगर उसका पैशन है, तो वो सामने वालों को भी बीट कर सकता है। और इससे एक जीता जाता है एग्जांपल मेरे साथ है, एक मेरा दोस्त है, हालांकि वो कुछ सीखा नहीं था, कुछ छठी सातवीं क्लास के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, और फिर उसको गरीब खानदान के साथ था तो फिर घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर ऐसे में उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो एक कंपनी के लिए जॉब करता था, फिर वो बिल्डिंग सिक्योरिटी में आ गया, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते, लेकिन उसमें एक चाहत थी, उसमें एक पैशन था कि खुद का कुछ ना कुछ करें, अगर खुद में टैलेंट नहीं है फिर भी मुझे ऐसा कुछ करना है कि जैसे मैं आगे बढ़ सकूं। तो ऐसे में उसके दिमाग में आया कि खुद की सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करने की, और फिर वैसे धीरे धीरे करते करते अगर वो बड़ा हो गया, उसने फिर काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, उसने हार्डवर्क के दौरान काफ़ी सारे चीज़ों को समझ लिया, और आज करीबन 10 साल के बाद उसकी खुद की एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें करीबन 100 के ऊपर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग कंपनीज़ में या फिर बिल्डिंग्स को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मतलब एक बंदा ऐसा था कि जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसके पास कुछ भी टैलेंट नहीं था,
वो बंदा अपने हार्डवर्क के उसके ऊपर आज खुद की एक कंपनी खोल के एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है। तो एक जीता जाता एग्जांपल एक मेरे साथ था, वो मैं आपके साथ शेयर किया। और एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये हार्डवर्क का अगर टॉपिक निकला ये तो, और ये एक्चुअली एक स्टोरी काफ़ी एक फेमस थी जो मैंने पहली बात की हुई है। दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो है कैरेली नाम के हंगेरियन सोल्जर की। 1938 की ये कहानी है, पुरानी कहानी है लेकिन ये ट्रू स्टोरी है। ये कैरेल नाम का सोल्जर हंगेरियन आर्मी में था, वो उस टाइम का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था और उसका एक ही सपना था कि उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना था। हालांकि वो जब भी वो हंगेरियन आर्मी में था इसलिए वो उस टाइम जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप हो गए थे हंगेरिया में वो सभी को जीत चुका था और लगभग इतना सब तय ही था कि आने वाले ओलंपिक्स में कैरेली गोल्ड मेडल जीतेगा ही। तो हालांकि वो हंगेरियन आर्मी में था तो जब भी वो आर्मी की ट्रेनिंग कैंप में था तो उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया जिसके एक्सीडेंट की वजह से उसका राइट हैंड चला गया। जो हैंड जिस हाथ से उसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना था वो हाथ उसके बदन से निकल गया, अलग हो गया और उसका सपना टूट गया। वो करीबन एक महीना अस्पताल में था, अस्पताल से घर आया, फिर उसके साथ सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक तो फिर रोते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल लें या फिर जो सपना उसने देखा था उस सपनों को वो पूरा करे। लेकिन उसके पास था जो लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ कि जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, जिससे वो खा भी नहीं सकता था, ऐसे हाथ से आगे सपना कैसे पूरा करे ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम उसके सामने था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अगले एक साल में वो पूरी ट्रेनिंग करता रहा अपने लेफ्ट हैंड से, पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी और उसने अपने लेफ्ट हैंड को एक बेस्ट शूटिंग हैंड बना दिया जैसे उसका राइट हैंड था। बाद में 1939 को फिर से नेशनल चैम्पियनशिप हो गई हंगेरिया में और उस वक्त वो वहाँ मौजूद था। अभी सबको लगा था कि इसका तो राइट हैंड चला गया है तो ये तो अपने को कुछ करेगा नहीं, ये एज अ ऑडियंस करके आया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बोला कि मैं आपसे कॉम्पीट करने आया हूँ और उसने लेफ्ट हैंड से 1939 के नेशनल चैम्पियनशिप को जीत लिया। जी हाँ, जो बंदे का राइट हैंड चला गया था, जिसका जो मेन शूटिंग हैंड था, वो बंदे ने एक साल प्रैक्टिस करके लेफ्ट हैंड से नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुका था। अभी सबको लगा कि ये 1940s के ओलंपिक में क्या कमाल दिखाता है, देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1940s की जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए और उसका सपना भी टूट गया। फिर उसने अपना फोकस सारा उठा के डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स में जो कि 4 साल बाद आने वाले थे। फिर से उसने जमकर प्रैक्टिस की लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। जो सपना लेके वो ज़िंदगी भर जीता था कि उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना था, वो सपना उसका ठहर का ठहर रह गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी उम्र थी लगभग 28 साल और 1948 में उसकी उम्र हो गई लगभग 38 साल और उसके जो कॉम्पिटिटर लोग थे वो सभी यंग थे, 24-25 साल के थे। तो ऐसे में यंग लोगों के साथ कॉम्पीट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा था, लेकिन उसने तब भी हिम्मत नहीं छोड़ी। 1948 के ओलंपिक्स में सभी लोग आए थे, सभी लोग अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और कैरेली अपने सिर्फ ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था जो कि लेफ्ट हैंड था। और 1948 का ओलंपिक्स कैरेली जीत गया लेफ्ट हैंड से, एक ऐसे हाथ से कि जिस हाथ से वो लिख भी नहीं सकता। ये तो बात हो गई 1948 की। फिर दोबारा उसने अपना फोकस उठा के डाल दिया 1952 के ओलंपिक्स में और 1952 के ओलंपिक्स में भी उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ था 1952 में कि किसी एक एथलीट को दो मेडल गोल्ड मेडल लगातार मिल गए थे। कैरेली एक ऐसी मिसाल बन गई थी लोगों के लिए कि जो अपना पूरा जो मेन हाथ था उसको खोने के बावजूद भी उसने अपने सपनों को पूरा किया। उसने सपने को पूरा करने के लिए लगभग 14 साल लिए, 14 साल में उसने पूरा कर दिया। लेकिन इसके पीछे ये स्टोरी का मकसद एक ही था, हार्ड वर्क। अगर उसने 1938 में भी अगर जिद छोड़ी होती कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं कर सकता, मेरा राइट हैंड चला गया है, तो कभी भी अपना सपना वो पूरा नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ कि ये जो फ्रेम है इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे बहुत है, ये स्टोरी का इम्पैक्ट भी मेरे लाइफ पे बहुत है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आपने हार्ड वर्क रहेगा तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा, आपने टैलेंट अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क करने की कुछ आपने कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी या फिर अंदर से कुछ आवाज़ ही नहीं आएगी कि मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, तो बैठे बैठे यार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी लोग क्या बोलते हो, मुँह
में चांदी का चम्मच तो लेके नहीं आते, सभी मिडिल क्लास लोग हमारे जैसे रहते हैं, सभी को सक्सेस पानी रहती है, लेकिन हार्डवर्क करने के नाम से आधे लोग तो निकल जाते हैं। वही मैं आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी फेल्यूर लोगों के पास चले जाते हो ना यार, उनके पास बहुत रीजंस होते हैं कि यार मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, या फिर इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने ये काम को छोड़ दिया। लेकिन आप वही सक्सेसफुल लोगों के पास चले जाओ तो उनके पास भी वही 10 कारण होते हैं जो फेल्यूर लोगों के पास रहते हैं, लेकिन उनके पास एक कारण ऐसा भी रहता है कि जिस वजह से वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है, वो अपना सपना पूरा कर लेता है, और वो रहता है अंदर से निकली हुई आवाज़ और हार्डवर्क। तो दोस्तों, मुझे आज के वीडियो में आपको ये बात बतानी थी, ये छोटी सी स्टोरी बतानी थी कि जिसका मेरे लाइफ पे बहुत सारा इम्पैक्ट है, और मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी से एक दो लोगों को भी अगर कुछ उम्मीद मिल सकती है, उम्मीद की किरण मिल सकती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो डिटेल देखना है तो आप संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर जाके देखो, उन्होंने ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये वीडियो बनाया है, और आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये वीडियो का टाइटल है मोटिवेशनल स्टोरी कैरली करके, उसका नाम है, सोल्जर का नाम था। तो दोस्तों, ये स्टोरी का मतलब ये इतना ही था कि मैं आजू बाजू काफ़ी सारे लोग ऐसे देखता हूँ, ना उम्मीद लोगों को देखता हूँ, जो अपने सपनों को पाने की लालसा में स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन फिर किधर ना किधर जाके तो फिर वो छोड़ देते हैं, फिर चाहे कुछ मतलब तकलीफ़ें आती है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर उन वजह से वो पर्टिकुलर जो सपने उनके रहते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन उनके लिए मुझे यही कहना था, इसलिए मैंने छोटी सी स्टोरी आपको सभी को बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी रहेगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।